आपको शत शत नमन करता है। जीवन में जो कुछ आपने सिखाया उसके लिए संपूर्ण परिवार आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। स्वर्गीय डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी की वाणी, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद सदैव उनके पूरे परिवार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में और सांसारिक कर्तव्यों को आनंद पूर्वक निभाते हुए ईश्वर भक्ति सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, यही हम सब ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी के बारे में मैं क्या कहूं, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। इतने विद्वान 92 वर्ष की आयु में भी किताबें लिखते थे, देश के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उनको सम्मान मिला, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक, साहित्य अकादमी अवार्ड, अगर अवार्डों की गिनती की जाए तो अनेकों अवार्ड, लगभग 108 से भी ऊपर अवार्ड वो प्राप्त कर चुके थे। देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, विश्व के अनेक देशों में जहां जहां उन्होंने भ्रमण किया, अपने ज्ञान के माध्यम से उनको अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया गया। संस्कृत जगत में उनके जैसा गुरु मैं समझता हूं कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा भविष्य में कोई नहीं होगा। बड़े कर्मठ, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ऐसे उनके गुण थे। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी ने केवल अपना शरीर छोड़ा है, वो आज भी हमारे बीच में विराजमान है। उनकी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार के लिए है और जो जो उन्होंने काम अपने जीवन में किए हम उस पर अमल करें, यही हमारे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए भजनों के माध्यम से हम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भक्ति संगीत के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना से कि सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू में दोनों हाथ, एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिनु दया प्रभु आपकी कौने सवारे काज, सोते बैठे जागते चलते फिरते काल, तेरा ही प्रभु आसरा हमको दीने दया, तुम ही मेरे कृष्ण हो,
तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम, तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही हो सुधा। इस दुख की घड़ी में परमात्मा ही एकमात्र धीरज, शांति और जीने का मार्ग दिखाता है। उसी का सदैव सुमिरन करना चाहिए और वही एक सच्चा सहारा है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से ये गगन, सुंदर माना हो देह देकर भेजा, लेकिन अज्ञानता वश काम क्रोध लोभ मोह मद में चूर चूर रहकर मैंने इस शरीर रूपी चादर को मैला कर दिया। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, किस मूढ़े के तेरे द्वारा हूं। ये भाव इस भजन का है। मैंने चादर
लाख इस मटी ने खाए रहल ना निशान रे बंदे मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान जितने भजन मैं आपको सुना रहा हूं इन भजनों के अंदर एक संदेश छिपा हुआ है एक शिक्षा छिपी हुई है एक मैसेज छिपा हुआ है जो कोई अपने जीवन में इन्हें उतार ले तो निश्चित रूप से उसका कल्याण है। तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति कौन हुआ धनवान रे बंदे मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान। कोई लाख करे चतुराई चतुराई करम का लेख के नर भाई करम का लेख के नर भाई कोई लाख करे चतुराई कोई लाख करे चतुराई करम का लेख के नर भाई करम जरा समझो इसकी सच्चाई रे करम का लेखन के नर भाई करम का लेखन के नर भाई काहे मनवा धीरज खोता काहे तुना हक रोए अपना सोचा कभी नहीं होता भाग करिए हो चाहे हो राजा चाहे भिखारी होकर सभी ने यहाँ खाई रे करम का लेखन के नर भाई करम का लेखन के नर भाई कोई लाख करे चतुराई कोई लाख करे चतुराई करम का लेखन के नर भाई करम का लेखन के इस दुनिया में भाग के आगे चलना किसी का उपाय कामत हो तो हर कोई बाँचे भाग
दिल बाँचा जाए। एक दिन किसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई लेकर का लेख मिटे ना लिखाए करण का लेख मिटे ना लिखाए। कोई नाख करे चतुराई कोई नाख करे चतुराई करम का लेख मिटे ना लिखाए करण का लेख मिटे ना लिखाए करण का लेख मिटे तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत हर दे रे छो हे भगत हर दे रे छो द्वार खड़ा भगवान भगत हर दे रे छो हे भगत युग युग तेरी रहेगी शाम भगत भर दे रे छो हे भगत भर दे रे छो बोल उठी है सारी धरती देख रे बोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे गले जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे छो हे भगत भर दे रे छो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे छो हे भगत भर दे रे छो हा भगत भर दे शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए आप। एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः नाम प्रभु का
जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या लाया रे बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। वहां से क्या लाया रे बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया रे जग में, हाथ पसारे जाएगा फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। आंखें तो पछताएगा, पहन कभी सुनो भाई साधो, पहन कभी सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। नाम प्रभु का जपने बंदे फिर पीछे उड़ जाएगा हंस अकेला, दो दिन का जग में मेला, दो दिन का जग में मेला, दो दिन का जग में मेला, दो दिन का जग में मेला। उड़ जाएगा दिन का जग में मेला, दिन का जग में मेला। राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा। चिल्ला दो दिन का दर्शन मेला, दिन का जग में मेला। जाएगा हंस अकेला, दिन का जग में मेला, दिन का जग में मेला।
जग देंगे। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और ये माया का खेला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, सब माया का खेला। शरण तेरी आया मेरे नाम।
चंदन की जैसी राम जो तेरी शीतल बने आग चंदन की जैसी राघव कृपा जो तेरी कुछ यानी पूनम की हो जाए राते कुछ यानी पूनम की हो जाए राते ज्योति अमावस मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है ने जब से शरण तेरी आया मेरे सूरज की गर्मी से जगते हुए तन को मिल जाए करवल की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जगते हुए तन को मिल जाए परिवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी एक भजन मेरे सह गायक जिन्हें उत्तराखंड पर आपको सुनाएंगे Oh.
सब कौन बुलाए। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, बनते अपराधी पग पग में, बनते अपराधी पग पग में, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सब कौन बुलाए परम प्रभु, तुम सब कौन बुलाए। पाते व्यर्थ गवाते जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते, फिर भी तुम देते अनुपम प्यार परम प्रभु, ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। भद्राणि पश्यन्तु
कश्चित् दुःख भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर आप सीधे बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण। जिसका जीवन निश्चित रूप से मानव मात्र के कल्याण के लिए ही उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार में भेजा था, ऐसे ही महान उच्च कोटि के विद्वान जिनको यदि हम संस्कृत का सूर्य कहा जाए, संस्कृत साहित्य का, संस्कृत व्याकरण का सूर्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनका जीवन निश्चित रूप से देववाणी संस्कृत के रक्षण में, संस्कृत के प्रचार में, संस्कृत के प्रसार में निश्चित रूप से बहुत ही महान उनका ज्ञान और संस्कृत के उद्गट विद्वान, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसी महान आत्मा जो पद्मश्री पद्मभूषण से सम्मानित है, ऐसी महान आत्मा, ये जीवन निश्चित रूप से परमात्मा ने हमारे जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के द्वारा प्रदान करता है। लेकिन ऐसे जीवन, ऐसी विद्वता जो महान भाग्यशाली होते हैं उनको प्रदान वह ईश्वर करता है। और निश्चित रूप से हम समस्त जन भाग्यशाली हैं जो ऐसे विद्वान के, ऐसे महान पंडित, महान ज्ञानी के द्वारा हमें ज्ञान और अनेकों प्रकार के संस्कृत की पुस्तकों का जिन्होंने लेखन किया है उनके जीवन में निश्चित रूप से संस्कृत का, देववाणी का जो उस प्रभु परमात्मा ने ज्ञान दिया था वो निश्चित रूप से प्रत्येक मानव मात्र के लिए, न जाने कितने विश्वविद्यालयों के छात्रों ने उनके सानिध्य में PhD किया है, न जाने कितने विद्यार्थियों का उन्होंने जीवन निश्चित रूप से आनंदित कर दिया है। कहते नहीं है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसे प्रधानता को पूज्य डॉक्टर साहब ने प्रदान किया है।
आज ऐसी महान आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा जिसको हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ और बड़े आदर के साथ डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी के नाम से जानते थे, प्रभु परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल ऐसी महान आत्मा को 92 वर्ष की 92 ईयर्स के आयु ईश्वर ने प्रदान की और 14 नवंबर 2021 को अपने पंच भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर को उस प्रभु परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल ऐसी महान आत्मा ने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर और अपने इस जीवन रूपी यज्ञ की पूर्ण आहुति करते हुए और वो महान आत्मा उस प्रभु परमात्मा के सानिध्य में समर्पित हो गई। परिवार के समस्त सदस्य इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। सुपुत्र श्री शरद चंद्रा जी, पुत्रवधु श्रीमती शालिनी सरीन जी, सुपुत्री श्रीमती इंदु दुआ जी, दामाद श्री विनोद दुआ जी, पोता श्री सिद्धांत जी, पोती श्वेता जी, नाती दिव्या जी और रंजन जी एवं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित समस्त शुभचिंतकों, ये जीवन परमात्मा हमें मनुष्य जीवन देता है और संसार का सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और विचारशील जीवन है, परंतु हमारे विचारकों ने, हमारे चिंतकों ने हमें एक विचार दिया है। कहते हैं जो आपको संसार का सबसे श्रेष्ठ महान विचारशील चिंतनशील जीवन उस ईश्वर ने प्रदान किया है, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये मृणमय गृहम, ये मिट्टी का घर है और एक ना एक दिन जो 5 एलिमेंट्स से बने हुए अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पंच तत्व जो है अपने अपने में स्वतः मिल जाएंगे। मृणमय गृहम, ये मिट्टी का घर है और निश्चित रूप से एक ना एक दिन संसार से हमें जाना है, लेकिन चिंतन करना, विचार करना कि जीवन के दो किनारे हैं, प्रथम किनारे का नाम जन्म है और दूसरे किनारे का नाम मृत्यु है, इन दोनों किनारों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों किनारों के बीच की जो दूरी है, उसको हमारे विचारकों ने कहा यही जीवन है। उस प्रभु परमात्मा ने हमें एक जन्म, दूसरा मृत्यु, इस दो किनारों के बीच में जीवन प्रदान किया है। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम किस प्रकार से तय करते हैं और वही हमारा जीवन है। संसार से प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, कोई भी अमर होकर के नहीं आया है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी है, बड़ा से बड़ा धनवान है, बलवान है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। लेकिन हमारे जो जीवन और मृत्यु की जो दूरी है, उसको किस प्रकार से हम तय करते हैं, वही हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन का छाप बन जाता है। और विद्वानों ने कहा कि कीर्तिर यस्य सह जीवति, उतनी ही दूरी में हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान सब कुछ बन जाता है। और विचारकों ने कहा कीर्तिर यस्य सह जीवति, जिस व्यक्ति की कीर्ति होती है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसका सम्मान होता है, वो जीवन में कभी भी जो है हमारे से दूर नहीं जा सकता। परिवर्तनशील संसार है, मृतक को न चाहते, ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त न करे। मृत्यु नाम परिवर्तन, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में सुंदर उपदेश देते हुए, विचार देते हुए कहा, कहते जिस मृत्यु से आप डर रहे हो, जिस मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, वो मृत्यु नाम जो है वो परिवर्तन का है। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कानों से सुनाई नहीं देता है, पैरों से चला नहीं जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, शरीर जर्जर हो जाता है, एक स्थान पर पड़े पड़े हमारे शरीर की दुर्गति होने लगती है। लेकिन कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी हमारी सहायता करने के लिए आती है जो हमें परिवर्तित करा देती है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वो मित्र, सखा, बंधु बनकर के वो मृत्यु आती है और वो मृत्यु आकर के आपको इस जीवन के कष्ट जो है, जो शारीरिक कष्ट है, उनसे दूर करके और परिवर्तनशील संसारे मृत को रोना चाहते, उस परिवर्तन करके और एक जीवन, नया जीवन प्रदान कर देते हैं। और ये संसार में जो है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी परिवर्तन होता रहता है। कभी वृक्षों पर देखो कि आप पत्तियां पत्तियां हैं, लेकिन एक ऐसी ऋतु आती है जो बिल्कुल खाली हो जाता है, पतझड़ हो जाता है। ये परिवर्तन है संसार का। लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना,
जो हमारे विद्वान हैं, जो ऐसे ज्ञानी जन हैं, उनके जीवन से हमें हमेशा सर्वदा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे संस्कृत के महान पंडित, ऐसे संस्कृत के महान विद्वान जिनकी प्रतिष्ठा, जिनका इस जीवन में हमेशा हमारे साथ रहेगा, कभी भी हमारे से दूर नहीं हो सकते हैं। उनके ऐसे विचार थे, उनके ऐसे ज्ञान थे, उनकी ऐसी विद्वता थी। और सबसे बड़ी बात, आप चिंतन करना, विचार करना, हमारे विचारकों ने कहा कि जब किसी वृक्ष के ऊपर फल आ जाते हैं तो उनमें नम्रता आ जाती है, उनमें झुकाव आ जाता है। और ये उदाहरण बिल्कुल आपको डॉक्टर साहब के जीवन में आपको देखने को मिला। उनका जीवन इतना महान था कि कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी जाता उससे भी बड़े नम्रता के साथ जो है हमें जो है ऐसे मतलब वो मिलते थे। कोई विद्वान से विद्वान मिल जाए उसके साथ भी वो ऐसे मिलते थे। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि एक दो बार उनके दर्शन करने को मुझे मिले, और दर्शन भी मुझे इस स्थान पर मिला एमएटी शिक्षण संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, जिनका और पूज्य डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी का पारिवारिक संबंध था। उनके घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता है। मैं वहां पर यज्ञ के लिए जाता हूं, और वहां मुझे ऐसा सौभाग्य मिला जो है कि मैं वहां उनसे जो है मिल पाया, मुझे जो है डॉक्टर अशोक चौहान जी का और शास्त्री जी का जो है एक पारिवारिक संबंध रहा, वहीं पर मुझे मिलने का उनसे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे उच्च कोटि के विद्वान, ऐसे विचारक और ऐसे जो है संस्कृत के महान पंडित जिनकी प्रार्थना सभा में हम सब उपस्थित हैं, हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, परमात्मा से यही विनय करें कि प्रभु परमात्मा ऐसे महान विद्वान के विचारों पर, ऐसे महान विद्वान के जो शिक्षाएं हैं और जो उनकी जो है जो ज्ञान का भंडार है, जो पुस्तकें हैं, उनको अपने जीवन में हम पढ़कर और अपने जीवन में ऐसी विद्वता को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे अपने वैदिक विचारों को अपने जीवन में धारण करें, ऐसे प्रभु परमात्मा से विनय करते हुए उस महान प्रभु से यही प्रार्थना करें कि पिता परमात्मा उस पवित्र आत्मा को, उस महान आत्मा को अपने पवित्र चरणों में स्थान दीजिए, और परिवार को इस दुख को, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हुए। ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसे विनय करते हुए हम एक मिनट के लिए शांत बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता के साथ बंद कर लेंगे, और कुछ मंत्रों के द्वारा पवित्र आत्मा की शांति सदगति की प्रार्थना। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं यो सावदित्यै पुरुषः सो सव ओंखं ब्रह्म ओं कुरगन्नेवेह कर्माणि त्यजेविशेक्षतं समा एवं त्वैरान्यथेतो नास्ति कर्म लिप्यते नरे ओं सप्रयाग शुक्रं कायं प्रणायस्ताभिरं शुद्धं पावविद्धं कविर्मनीषी परिभ्रीषयम्भु यथा तथ्यो वरथान विदधा क्षतिभ्यः समाभ्याः वायुरनीलं मृतमथेदं भुष्मान्तं शरीरं ओं कृतो ईश्वरः क्लेश्वरः कृतगुणेश्वरः ओं शांति शांति शांति। मुझे पगड़ी दे दीजिए।
जी, ये आर्य समाज के हमारे प्रेसिडेंट साहब आदरणीय श्री आनंद चौहान जी और एमिटी शिक्षण संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी के छोटे भाई श्री आनंद चौहान जी, सभी पूज्य डॉक्टर साहब की स्मृति में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी, ओम विश्वानि देव सवितर गुरितानि बरासुवाय भद्रं तन्यासु। 2003 में मुझे डॉक्टर साहब से अक्सर मिलने का अवसर मिला। इससे पहले वो जब जर्मनी गए थे तब हमारे परिवार से उनका परिचय हुआ पुरानी बातों में, और क्योंकि हमारा परिवार भी गुरुकुलमय था, वो भी गुरु के थे और संस्कृत के थे, तो संबंध बढ़ता चला गया। और उसमें डॉक्टर शास्त्री जी का बहुत बड़ा सहयोग था कि उन्होंने हमारे से इतना प्यार किया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझाते थे। हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक चौहान जी जो इस समाज के चीफ पैटर्न है, एमिटी के संस्थापक है, उनके बेटे की बड़े बेटे की शादी थी, पहली शादी थी हमारे घर में। हम लोग बहुत उत्साह से करना चाह रहे थे, तो उसके लिए कोई अच्छा वेदमंत्र चाहिए था, तो भैया ने उनसे प्रार्थना करी कि आप एक अच्छा सा दीजिए और उसका मुझे इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों में अनुवाद चाहिए। तो संस्कृत के बहुत सारे विद्वान, अधिकांश विद्वान या कह सकता हूँ कि लगभग सभी संस्कृत और हिंदी तो कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब ने वो तीनों में बहुत आसान तरीके से और कई बार बदलाव से, और वो हमारे परिवार में इतना पक्का हो गया कि वो कोई भी शादी का कार्ड उसके बिना छपता ही नहीं। वो डॉक्टर साहब की याद हमेशा दिलाता रहेगा। उन्होंने बहुत स्नेह से प्यार से वो आशीर्वाद दिया था, और श्रीमती शास्त्री मेरे से बहुत स्नेह करती थी, तो उनको शायद बाद में मीठा खाना मना हो गया था, तो मेरे से एक दिन कहती है फ़ोन करके, तुमने मिठाई नहीं भिजवाई, मैंने कहा आपको मना है, तो मेरे कहती चुपके से मेरे हाथ में दे दिया कर। तो मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो इतना स्नेह उस परिवार से मिला, और क्योंकि डॉक्टर अशोक चौहान की श्रीमती जी जो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान, वो स्वयं में संस्कृत की बहुत विदुषी हैं, उनका भी उनसे विशेष स्नेह था। ऐसे व्यक्ति का चला जाना जिसको राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्कृत के सर्वोच्च पुरस्कार मिले, सर्वोच्च सम्मान मिले, ऐसे व्यक्ति का चला जाना सभी के लिए एक दुखद घटना है, परंतु यहीं पे आके हमें ईश्वर के आगे शीश नवाना पड़ता है। मैं अपने परिवार के मुखिया डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी, समस्त एमिटी विश्वविद्यालय, एमिटी संस्थान, एक ऐसी ग्रुप और समस्त चौहान परिवार की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और आदरणीय श्री शरद जी, शालिनी जी, इंदु जी, विनोद जी, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, समस्त परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके इस दुख को सहने की शक्ति दे। उनके बहुत सारे चाहने वाले दुनिया भर में हैं, उन सभी को ये शक्ति मिले और हम सब लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें, इसी प्रार्थना के साथ विनम्र श्रद्धांजलि। स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठनेमिस्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु।
स्वस्ति नस्तार्क्षयो वरिष्ठनेमिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु भद्रं करणैरपि प्रणयामदेव भद्रं पश्येमाक्षति यत्राहं स्त्रैनं वै स्पृष्टवान् सत्सेमहि देवहितं यदायुः ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः। जी एक बार लंबी सांस लेंगे और एक मिनट के लिए आप सभी लोग मौन हो जाएंगे। प्रभु परमात्मा से पवित्र आत्मा की शांति सद्गति की प्रार्थना और परिवार को इस दुख को और पूज्य डॉक्टर साहब के रिक्तता को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो। ओम का उच्चारण करते हुए एक मिनट के लिए सभी लोग मौन होंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। परिवार के मुख्य जन आप लोग मुख्य द्वार पर सर मेन गेट पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाइए।
इसके पश्चात और सभी लोग आप श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर आपके लिए प्रार्थना है कि ऊपर जलपान की व्यवस्था है उसे आप ग्रहण करने के पश्चात ही घर प्रस्थान करें। इस दुख के घड़ी में आप प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। परिवार हृदय से आपका धन्यवाद कर रहा है। विशेष प्रार्थना है कि ऊपर जलपान की व्यवस्था है उसे आप ग्रहण करने के पश्चात ही घर प्रस्थान करें। ये प्रार्थना सभा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you.